देखो, पिछला महीना यानी जुलाई का महीना कार कंपनियों के लिए ठीक ठाक रहा है। यहाँ पर कुछ कार कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके सेल्स में आपको थोड़ी सी ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी, लेकिन कुछ कार कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके सेल्स में काफ़ी बड़ी गिरावट आ चुकी है। खैर, इस वीडियो के अंदर मैं उन 14 कार ब्रांड्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिन्होंने लास्ट मंथ यानी जुलाई के महीने में पूरे भारत में सबसे कारों को बेचा है। लास्ट मंथ 14th पोजिशन पर सिट्रॉइन कंपनी आई है और सिट्रॉइन कंपनी ने 388 कारों को बेचा है पिछले महीने, लेकिन पिछले साल के जुलाई में लगभग 575 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको सिट्रॉइन के सेल्स में लगभग 38% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। और इसी महीने सिट्रॉइन कंपनी C3 एयरक्रॉस इस कार को लॉन्च करने वाली है। शायद आने वाले समय में इस कार ब्रांड का सेल थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। 13th नंबर पर जीप इंडिया आई है और जीप के सेल्स में आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट मंथ जीप कंपनी ने लगभग 441 यूनिट को बेचा था और पिछले साल के जुलाई में 1150 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको लगभग 89% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। आज के डेट में जीप का पोर्टफोलियो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन फिर भी आपको जीप का सेल काफ़ी कम देखने को मिल जाएगा। खैर, 12th पोजिशन पर निसान कंपनी आई है, इसके भी सेल्स में आपको काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। और लास्ट मंथ निसान कंपनी ने लगभग 2152 कारों को बेचा है और पिछले साल के जुलाई में 3667 कारों को बेचा था। यहाँ पर निसान के सेल्स में लगभग 52% की गिरावट आ चुकी है। 11th पोजीशन पर रेनॉल्ट कंपनी आई है और रेनॉल्ट कंपनी के भी सेल्स में आपको काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ रेनॉल्ट कंपनी ने 3607 कारों को बेचा है, लेकिन पिछले साल के जुलाई में लगभग 7128 कारों को बेचा था। यहाँ पर आपको रेनॉल्ट के सेल्स में लगभग 65% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 10th पोजीशन पर फोक्सवैगन आई है और फोक्सवैगन कंपनी ने 3840 कारों को बेचा है पिछले महीने, लेकिन पिछले साल के जून में 2915 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको लगभग 26% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी फोक्सवैगन के सेल्स में, लेकिन ये ग्रोथ उतनी भी नहीं है जितने की अच्छे प्रोडक्ट इस कार ब्रांड के पास अवेलेबल है। 9th नंबर पर स्कोडा आई है और स्कोडा ने पिछले महीने लगभग 4207 कारों को बेचा है, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 4407 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको लगभग 5% के ही गिरावट देखने को मिल जाएगी और इस कार ब्रांड का सेल आपको 3500-4000 के बीच में ही देखने को मिल जाएगा। इसी बीच में स्कोडा हमेशा कारों को बेचती आ रही है काफी लंबे समय से। खैर, 8th नंबर पर इस बार होंडा कंपनी आई है, जो कभी 6th पोजीशन पर हुआ करती थी, अब इसकी भी रैंकिंग आपको काफी नीचे देखने को मिल जाएगी। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन पिछले महीने होंडा कंपनी ने लगभग 4864 कारों को बेचा है और पिछले साल के जुलाई में 6784 कारों को बेचा था। यहाँ पर आपको होंडा के सेल्स में 32% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसी महीने होंडा कंपनी एलेवेट इस एसयूवी कार को लॉन्च करने वाली है, जो कि कम्पीट करेगी क्रेटा, सेल्टोस, टाइगर, कुशक, एस्टर के साथ। वैसे इस सेगमेंट के अंदर आपको कौन सी कार सबसे बेहतरीन लगती है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 7th पोजीशन पर इस बार MG मोटर्स आई है और MG मोटर्स के सेल्स में आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ MG कंपनी ने लगभग 5012 कारों को बेचा है, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 4013 कारों को बेचा था। यहाँ पर आपको 22% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 6th पोजीशन पर इस बार किया मोटर्स आई है, जो कभी 5th पोजीशन पर हुआ करती थी, अब किया मोटर्स की पोजीशन आपको 6th नंबर पर देखने को मिल जाएगी। पिछले महीने किया कंपनी ने लगभग 20,002 कारों को बेचा है और पिछले साल के जुलाई में 22,022 कारों को बेचा था। यहाँ पर आपको लगभग 9% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। और रिसेंटली किया कंपनी ने सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च किया था, जिसके अंदर आपको काफ़ी बड़े बड़े अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे इस कार के ऊपर मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा, वो आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको सेल्टोस के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है। लेकिन 5th पोजीशन पर पिछले महीने टोयोटा आई है, जिसने सबको सरप्राइज कर दिया है। और पहले टोयोटा 7वें पोजीशन पर आती थी, कभी कभी 8th पोजीशन पर जाती थी, लेकिन इस बार टोयोटा ने सबको हिलाकर रख दिया है। लास्ट मंथ टोयोटा ने 20,759 कारों को बेचा है, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 19,693 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको टोयोटा के सेल्स में लगभग 5% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। वैसे टोयोटा की कौन सी कार आपको सबसे अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 4th पोजीशन पर महिंद्रा कंपनी आई है, जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। और पिछले महीने महिंद्रा कंपनी ने
26,205 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में, लेकिन पिछले साल की जुलाई में लगभग 28,053 कारों को बेचा था। यहाँ पर आपको महिंद्रा के सेल्स में 25% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब महिंद्रा टॉप 3 लिस्ट के अंदर अपनी जगह आराम से बना लेगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थर्ड पोजिशन पर इस बार टाटा मोटर्स आई है, जो कभी सेकेंड पोजिशन पर भी आती है। लास्ट मंथ टाटा मोटर्स ने 47,630 कारों को बेचा है, लेकिन पिछले साल की जुलाई में 47,505 कारों को बेचा था। यहाँ पर आपको टाटा मोटर्स के सेल्स में लगभग 0.2% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से टाटा मोटर्स ने इम्प्रूवमेंट्स करे हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर वो लाजवाब है। क्योंकि एक समय ऐसा था जहाँ पर टाटा की कारों को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था और आज ऐसा टाइम है जहाँ पर टाटा की कारें खूब ज़्यादा बिक रही है। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करी है अपने सेल्स सर्विस के अंदर, इसके अलावा कारों के अंदर। खैर, दूसरे नंबर पर पिछले महीने हुंडई मोटर्स आई है और हुंडई कंपनी ने लास्ट मंथ लगभग 50,701 कारों को बेचा है और पिछले साल के जुलाई में लगभग 50,500 कारों को बेचा था। यहाँ पर आपको 0.3% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी हुंडई के सेल्स में। फर्स्ट पोजीशन पर वही कार कंपनी आई है जो कि हमेशा आती है, वो है मारुति सुजुकी। पिछले महीने मारुति सुजुकी ने लगभग 1,52,126 कारों को बेचा है, लेकिन पिछले साल के जुलाई में लगभग 1,42,850 कारों को बेचा था। यहाँ पर आपको 6% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और मारुति सुजुकी इंडिया की लीडिंग ऑटोमोबाइल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये छोटा सा वीडियो था। इस वीडियो के बाद में टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कारों के ऊपर वीडियो लाऊंगा। टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी कारों के ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है।